हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेड वेलवेट केक, और उसे हम ना ही ओवन में बनाएंगे ना ही प्रेशर कुकर में, उसे हम स्टीम करके बनाएंगे आज स्टीमर में। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे जरूर देखें पूरा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेड वेलवेट केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक इस तरह का बोल ले लेना है, और उसके बाद इस पे हम एक छलनी रख देंगे इस तरह से। और यहाँ हमने एक कप मैदा लिया है, उसे इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हमने लिया है एक चम्मच कोको पाउडर, ये भी इसमें डाल देंगे हम। आधी छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर ले लेंगे, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और एक चौथाई से भी थोड़ा कम हम बेकिंग सोडा लेंगे, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और इसे एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लिए हैं, और पिसी हुई चीनी हमने ली है आधा कप, ये भी हम एक बार इसी में छान लेते हैं। अभी हम सारी सामग्री को एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसे हम एक तरफ रख देते हैं। यहां हमने लिया है रेड फूड कलर, ये जेल कलर है। इस जेल कलर में, इस रेड कलर में हम अभी 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो इसीलिए हम रेड कलर डालेंगे उसमें। और अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने दूध और हमारे रेड कलर को अच्छे से घोल लिया है। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं और हमारे बैटर की तरफ चलते हैं। अभी हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम आधा कप दही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे मिलाते हुए। हम सारा दही डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। ये हमने दही इसमें मिक्स कर लिया है। और अभी जो हमने कलर बनाया है रेड, दूध और कलर को मिक्स करके, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारे बैटर में। और अभी हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे एक छोटी चम्मच। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून, हमने यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। अभी हम इसमें ये डाल करके और अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। फ्रेंड्स, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसे ओवर बीट हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। अब बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं, ये आप बिल्कुल लास्ट में ही डालें जब आपको केक बेक करना हो। यहाँ हमने एक केक टिन ले लिया है जिसे मैंने ग्रीस कर दिया है, इस पे घी लगा के मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। और अब हम इसे, हमारे जो केक बैटर है उसको इसमें डाल देंगे। हमने केक टिन में हमारा बैटर डाल दिया है, एक बार आप इसे टैप कर दीजिए ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अभी हमें हमारे जो केक टिन है हमारे पास, इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि आज हम स्टीम केक बना रहे हैं तो इसे हम स्टीम में पकाएंगे। आप पूरा इसे कवर कर दीजिए, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ कुकर में, इडली कुकर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से उबल गया है। अभी हम इसका ढक्कन हटा देते हैं और इसमें हमारा केक टिन हम अच्छे से सावधानी से रख देंगे।
फ्रेंड्स, हमने हमारा जो केक टिन है वो इसमें रख दिया है इडली कुकर में। अभी हम इसका लिड लगा देते हैं। और अभी हम लगभग आधा घंटा या 35 मिनट इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आप बीच में एक बार चेक कर सकते हैं इसे कि ये पका है या नहीं। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है हमारे केक को पकते हुए और इसे हमने अभी चेक किया था तो ये अभी तक नहीं पका है। तो हम 10 मिनट तक अभी हम इसे और बेक करेंगे, यानी कि और स्टीम करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा रेड वेलवेट केक का स्पॉन्ज बिल्कुल तैयार है। ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे स्टीम होने में 40 मिनट लगे हैं टोटल, और उसके बाद हमने इसे कुकर से बाहर निकाल दिया है और अभी हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही सांचे से निकालेंगे, यानी कि डीमोल्ड करेंगे। अभी हमारा केक ठंडा हो चुका है तो अभी हम इसे डीमोल्ड कर देते हैं। एक बार इसके एजेस छुड़ा लें। एक प्लेट ले लीजिए और इस तरह से इस पे रख दीजिए और उसके बाद हल्का सा टैप करें इसको। ये देखिए, हमारा केक बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अभी हम इसकी आइसिंग करेंगे तो व्हिप क्रीम हम तैयार कर लेते हैं। तब तक हम इसे एक तरफ रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एक कप हमने हैवी व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसे अभी हम इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से व्हिप करेंगे स्टिफ पीक्स आने तक। इसमें हम आधा चम्मच वैनिला एसेंस डाल देते हैं और उसके बाद हम इसे व्हिप करेंगे। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर की सहायता से भी इसे बीट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और इसमें जल्दी हो जाता है। हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है, बिल्कुल स्टिफ पीक्स आ गए हैं इसके। तो अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं और हमारे केक की तरफ चलते हैं हम। अभी हम केक को दो भागों में, यानी दो लेयर्स में कट करेंगे। ये हमने केक को दो लेयर्स में कट कर दिया है। अभी हम इसकी आइसिंग शुरू करेंगे। हमने यहाँ एक केक बोर्ड ले लिया है और थोड़ी सी क्रीम हम उस पर लगा देंगे और उसके बाद जो हमारी केक की एक स्लाइस है वो यहाँ रख देंगे इस पर और इस पर हम आइसिंग करेंगे। अब यहाँ मैंने व्हिप क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर लिया है और अभी हम इसमें क्रीम लगाएंगे। इसमें हमें शुगर सिरप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टीम केक बनाया है तो इसमें ऑलरेडी काफी मॉइस्चर रहता है। अभी इसे इवनली स्प्रेड करें। अभी हमारी जो दूसरी लेयर है वो हम इस पे रखेंगे। अब हम इस पे भी व्हिप क्रीम लगाएंगे। हमने इसके टॉप पे भी क्रीम लगा दी है। अब इसके साइड्स में क्रीम लगा देते हैं। अभी हम इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम बाकी की आइसिंग करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और हमारा केक अब काफी सेट हो चुका है तो अभी हम एक कोट इस पे व्हिप क्रीम का और लगाएंगे और इसे पूरे अच्छी तरीके से व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। अच्छे से व्हिप क्रीम लगा ली है, एक कोट उसका और लगा दिया है और अच्छे से इसको फिनिशिंग टच भी हमने दे दिया है। अब इसके बाद हम इसका जो बॉर्डर है, यानी कि इसके एजेस पे हम व्हाइट चॉकलेट से लेस बना के लगाने वाले हैं और उसके बाद हम इसके बीच में डेकोरेशन करेंगे। तो इसके लिए लेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट ले लिया है और इसे हमने मेल्ट कर दिया है। बटर पेपर ले लिया है हमने, केक की साइज का मैंने काट लिया था इसे। अब हम इस पे मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। हमने जो व्हाइट चॉकलेट से लेस बनाई थी वो हमने केक की चारों तरफ लगा दी है। अभी हमें धीरे धीरे जो ये बटर पेपर हमने लगाया है इस पे, ये हमें हटाना है। फ्रेंड्स, हमने लेस लगा दी है और इसका जो साइड का हमने बटर पेपर था वो हटा दिया है। अभी हम इसे बीच में से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लिया है और उसमें हमने स्टार नोजल लगा लिया है और इसमें अभी हम व्हिपिंग क्रीम भरेंगे।
अभी हम केक के कॉर्नर्स में डिजाइन बना देते हैं। फ्रेंड्स हमने आइसिंग पूरी कर ली है, व्हिप क्रीम से हमने ये साइड में भी डिजाइन बना दिए हैं। और अभी मेरे पास ये कुछ हार्ट शेप के स्प्रिंकल हैं, इसे हम बीच में लगाएंगे ताकि हमारा जो केक है वो और भी सुंदर दिखे। और एक एक हम ऐसे लगा देंगे। अभी हमारा केक बिल्कुल तैयार है, अभी हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये यहाँ मैंने ये हार्ट शेप में व्हाइट चॉकलेट से चॉकलेट बनाई है मेल्ट करके, और इसे मैंने इस तरीके सजाया। आप अपने पसंद के अनुसार जैसे भी चाहें आप सजा सकते हैं, केक को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा एगलेस और स्टीम रेड वेलवेट केक बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।